अच्छा, हम लोग थ्रेडिंग का डिस्कस कर रहे थे कि थ्रेडिंग का मैं बता रहा था कि थ्रेडिंग के अंदर जो टूल है, ओके लेट मी यूज हाईलाइटर, जो टर्निंग का ऑपरेशन है उसमें टूल की कुछ इस तरह की शेप होती है लाइक दिस, बट जो थ्रेडिंग का टूल है उसमें टूल की जो टिप होती है दैट इज लाइक दिस शेप, और ये आपको नजर आ रहा हो। और अब थ्रेडिंग के अंदर बेसिकली टूल शेप प्लस फीडिंग डायरेक्शन दोनों डिटरमाइन कर रही होती हैं, और स्पाइरल शेप के अंदर थ्रेड्स बन रहे होते हैं। स्पाइरल शेप मींस अब वो स्क्यू की शेप, जैसे आपने देखा होगा थ्रेड्स, और थ्रेड्स की कुछ स्पाइरल शेप जो है वो इस तरह की होती है, यू कैन सी लाइक दिस दिस। तो यानी अब इसमें जो स्पायरल शेप है जिस तरह के जो वो इस तरह की शेप बेसिकली बन रही होती है कि अगर सपोज यहाँ से कोई मटेरियल मूव करता है, ये मैं आपको बेसिकली ड्रिलिंग की एग्जांपल के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ कि ड्रिलिंग जब हो रही होती है उसमें इसी तरह थ्रेड्स बने होते हैं टूल के ऊपर, और जो मटेरियल है वो अलॉन्ग दी स्पायरल्स यानी इन शेप के अंदर जिस तरह अलॉन्ग दी स्पायरल्स जो है मूव करेगा। तो अगर यही सिंपल सर्कल्स होंगे तो मटेरियल मूव नहीं कर सकेगा, टॉप साइड पर नहीं आ सकेगा, बट अगर ये स्पायरल शेप में यानी कि देन मटेरियल जो है वो अलॉन्ग दी स्पायरल्स अपवर्ड साइड पे मूव करेगा और मटेरियल रिमूव होता रहता है। ये वैसे ही मेरे दिन में थ्रेड से थ्रेडिंग ऑपरेशन सॉरी जो ड्रिलिंग ऑपरेशन आ गया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा था। एनी हाउ, इसके अंदर टूल की जो टिप है दैट इज लाइक दिस शेप, और फिर वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होगा, और फीडिंग डायरेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, और टूल को जो है लीनियरली एंड लीनियर मोशन होती है, लीनियरली फेड किया जा रहा होता है, और दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से, ये वर्क पीस का रोटेशनल एक्सिस बन रहा है और वर्क पीस इस रोटेशनल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। सो जो फीड डायरेक्शन है दैट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, सो वी सेड दैट दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब इसमें सिंपल टर्निंग से क्या क्या डिफरेंसेस आ गए, सिंपल टर्निंग के अंदर एक तो टूल की जो शेप थी वो डिफरेंट थी, और जो फीड रेट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि फीड रेट मींस द लेंथ और द टूल इज कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, टाइम रेट ऑफ फीड कह लें, तो वो डिफरेंट होता है सिंपल टर्निंग केस में। अब इसमें फीड रेट जो है वो ज़्यादा होता है और टूल की शेप जो है वो डिफरेंट होती है, और इस वजह से उसके ऊपर थ्रेड्स बांधने होते हैं वर्क पीस के ऊपर। इसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, देन यू कैन गेट मोर अबाउट इट। ओके, ये आपका थ्रेडिंग का ऑपरेशन हो गया जिसमें फीड डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी राइट टूवर्ड्स लेफ्ट है, और लीनियर मोशन है, और वर्क पीस जो है उसकी रोटरी मोशन है। ओके, नेक्स्ट हिस्सा मैं देखता हूँ इसमें, नेक्स्ट बोरिंग। बोरिंग से पहले थोड़ा सा मैं ड्रिलिंग का डिस्कस कर लेता हूँ। ड्रिलिंग के अंदर क्या होता है कि आप वर्क पीस के अंदर होल क्रिएट कर रहे होते हो, उस ऑपरेशन को हम ड्रिलिंग कह देते हैं। और बोरिंग के अंदर बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता होल, उसका डायमीटर बेसिकली बढ़ाने के लिए, उस होल को जो डायमीटर बढ़ाने के लिए, उस होल की इंक्रीज करने के लिए उसके डायमीटर को बोरिंग का ऑपरेशन यूज किया जाता है। और यानी कि आप जब भी बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो पहले आप ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, देन आफ्टर ड्रिलिंग जो है बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ड्रिलिंग में क्या होगा, वर्क पीस के अंदर होल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्क पीस है तो उस पर ड्रिलिंग टूल जो है वो एक्ट कर रहा है, और देन यू विल गेट अ होल इनसाइड द वर्क पीस। ये थोड़ा सा रफ बन गया, बट एनी हाउ यू कैन गेट कंसेप्ट कि कैसे होल क्रिएट हो रहा है। आपने ड्रिलिंग का ऑपरेशन आप उसको देखा होगा कहीं पे, ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है जिसमें ड्रिल बिट्स, हैंड हेल्ड ड्रिल बिट्स परफॉर्म कर रही होती है वॉल्स में, आप होल करते हुए कहीं पे आपने वर्कर्स को वर्क परफॉर्म करते देखा होगा। तो सिमिलरली उसी तरह ही मेटल्स के अंदर ये मटीरियल जो
वर्क पीसेस के अंदर हम ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो पहले ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी कि होल क्रिएट किया जाता है, देन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसके डायमीटर बढ़ाने के लिए बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और यू कैन से इज परफॉर्म ऑन द इनसाइड डायमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल। और इसमें इसको डिफ्रेंशिएट टर्निंग से बेसिकली इस तरह किया गया है कि टर्निंग जो है वो आउटसाइड डायमीटर, जो आउटसाइड जो शेप है वर्क पीस की, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है, यानी आउटसाइड सरफेस पे एक्ट कर रही होती है, जबकि बोरिंग के अंदर जो इनसाइड द होल स्पेस है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होल, उसके अंदर टूल जो एक्ट कर रहा होता है। तो बोरिंग और टर्निंग को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और बोरिंग और ड्रिलिंग का आपस में डिफरेंस क्या होगा कि ड्रिलिंग जो है दैट इज टू क्रिएट होल्स, और बोरिंग देन उस होल का जो डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर है, उसको आपने बढ़ाना है, उसके लिए आप बोरिंग के ऑपरेशन यूज कर सकते करते हैं। और सो इसलिए उसने इसको टर्म दिया है कि बोरिंग इज एन इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज वो इनसाइड द होल सिलेंड्रिकल सरफेस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इनसाइड द होल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए उसको इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ओके, देन ये ड्रिलिंग का आ गया। ड्रिलिंग इज टू ड्रिल द होल्स इन द वर्क पीस, और ड्रिल बिट जो है, जो ड्रिलिंग टूल है, ड्रिल बिट है, उसकी उसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं वो मैंने आपको बताया कि थ्रेड इस तरह स्पायरल शेप में होते हैं, लाइक दिस। तो वर्क पीस की रिमूवल इसमें किस तरह हो रहा था कि जो मटेरियल है वो अलोंग दी स्पायरल्स आउटवर्ड साइड पे मूव कर रहा होता है। जब आपने कभी देखा हो कि इफ़ यू ऑब्जर्व इट कि ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अगर वॉल के अंदर ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो सीमेंट है या जो उसके अंदर सैंड है वॉल के अंदर, या कोई जो ब्रिक्स का पाउडर फॉर्म है, वो आउटवर्ड साइड पे बाहर, यानी वॉल से बाहर आ रही होती है और नीचे गिर रही होती है। तो वो किस तरह से बाहर आ रहा होता है? बेसिकली वो जो मटीरियल रिमूव हो रहा है वो अलॉन्ग दी स्पायरल्स आउटवर्ड साइड पे मूव कर रहा होता है। तो ये यानी ड्रिलिंग का टूल होता है जिसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं स्क्रू शेप में और स्पायरल शेप के अंदर, और कैन यू हियर नाउ? मैंने दोबारा रिकनेक्ट हुआ, अब वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है आपको? ओके 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 ओके, जस्ट हियर सीयर कैन आंसर। ओके प्लीज। ओके, मैं ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात कर रहा था कि जो मटेरियल रिमूव होता है वो बेसिकली अलोंग द स्पायरल मूव करके आउटवर्ड साइड पर मूव कर रहा होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या है कि आपने राउंड होल इनसाइड द वर्क पीस क्रिएट करना है। और बोरिंग से इसका डिफरेंस किस तरह से, कि बोरिंग में मैंने आपको बताया था बोरिंग का काम क्या है कि वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज कर रहा होता है, उसके साइज को बड़ा कर रहा होता है। और ड्रिलिंग के लिए जो कटिंग टूल यूज होता है उसको ड्रिल या सिंपल ड्रिल बिट कह देते हैं। एंड फिर इसको लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म भी किया जाता है, या एक अलग सेपरेट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं उसको, या ड्रिल प्रेस कहते हैं, उसके ऊपर ही परफॉर्म किया जा रहा होता है। और लेथ मशीन के ऊपर थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेथ मशीन पे किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा होता है कि आपने प्रैक्टिकल के अंदर लेथ मशीन डिस्कस की होगी, लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स। आपको पता है कि एक पार्ट होता है टूल पोस्ट, एक पार्ट है हेड स्टॉक असम्बली जिसके साथ स्पिंडल और देन चक अटैच है, चक के अंदर चक जॉस के अंदर वर्क पीस बेसिकली अटैच किया जाता है। और फिर सेंटर में टूल पोस्ट एक पार्ट है जिसके ऊपर टूल होता है, देन राइट साइड पे यानी ऑपोजिट टू द हेड स्टॉक साइड एक टेल स्टॉक असम्बली साइड है। अभी तक हमने जितने ऑपरेशंस पढ़े, टर्निंग का हो गया, फेसिंग का हो गया, तो उनके अंदर जो टूल है वो टूल पोस्ट के ऊपर अटैच होता है और वर्क पीस
ऑब्वियसली वो चक के साथ अटैच है, वर्कपीस क्रिएट कर रहा है और टूल पो से आप जो फीडिंग मोशन है, जो फीडिंग डायरेक्शन है टूल की, उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो लेकिन ड्रिलिंग के केस में अगर आप लेथ मशीन के ऊपर ड्रिलिंग परफॉर्म करते हो तो उस केस में टूल जो है वो टेल स्टॉक असम्बली पे साइड पे अटैच होता है। यानी आई मीन टू से बिकॉज ये अगर टेल स्टॉक असम्बली है लेट्स से, और उसके आगे स्पिंडल है, और स्पिंडल और चक, और चक के आगे सपोज ये एक वर्क पीस अटैच है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्क पीस ये जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपको इसको मैं टी नाम देता हूँ टेल स्टॉक असम्बली, और इस जगह पे कहीं पे टूल पोस्ट होती है, और बट इस केस में टूल पोस्ट का फंक्शन नहीं होगा जो इस साइड पे टेल स्टॉक असम्बली अटैच है, सॉरी दिस इज हेड स्टॉक असम्बली, आई एम सॉरी दिस वन इज हेड स्टॉक एच, तो हेड स्टॉक असम्बली के साथ स्पेंडल और स्पेंडल चक और चेक देन वर्क पीस, दिस इज वर्क पीस, मैं इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ, और अगर ये टेल स्टॉक असम्बली है टी मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, और ये आपकी टूल पोस्ट है, दिस वन इज टूल पोस्ट जिसको मैंने सर्कल किया। ड्रिलिंग के केस में बताना ही चाह रहा हूँ कि टूल पोस्ट के ऊपर टूल अटैच नहीं होता, जो ड्रिलिंग टूल है ड्रिल बिट है वो टेल स्टॉक असम्बली इस साइड पर अटैच होती है, ये इस जगह पर ड्रिलिंग टूल अटैच होगा। तो टेल स्टॉक असम्बली को मूव करवाओगे आप, और यानी कि इस तरह से टूल की फीड डायरेक्शन होगी, वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा है, और फ्रंट साइड यानी जो उसका फेस बन रहा है वर्क पीस का, उस साइड से आके टूल जो है मैकेनिकली एक्शन करेगा, ड्रिलिंग टूल मैकेनिकली एक्शन करेगा, तो इस जगह पे वर्क पीस के फिर ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, यानी होल क्रिएट होगा। तो अब इसका बाकी ऑपरेशन से थोड़ा सा मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका डिफरेंस कैसे आ गया है, कि ड्रिलिंग लेथ मशीन के ऊपर जब आप ड्रिलिंग परफॉर्म करते हो तो ड्रिलिंग जो टूल है ड्रिल बिट है वो टेल स्टॉक असेंबली के साइड पर अटैच होता है, यानी कि टूल पोस्ट पे नहीं अटैच होता बल्कि टेल स्टॉक असेंबली साइड पर अटैच होता है। ओके, देन आपके इसमें माइंड में आएगा कि जो बोरिंग का ऑपरेशन है उसमें क्या होगा। बोरिंग का ऑपरेशन उसमें जो टूल है वो दोनों साइड्स पे अटैच हो सकता है, टेल स्टॉक पे भी ऐड हो सकता है, और जो आपका टूल पोस्ट है उस पर भी अटैच हो सकता है। टूल पोस्ट पर किस तरह से हो सकता है इसकी मैं आपको वीडियोस बना के शेयर कर दूंगा। वो टूल की बेसिकली फ्रंट शेप इस तरह की होती है कि अगर आप उसको एक एंगल के पे रख के टूल पोस्ट के ऊपर अटैच करें तो वो बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और दूसरी तरफ अगर हम टेल स्टॉक पे उसको अटैच करें बोरिंग टूल को तो वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी और भी हम जस्ट ड्रिलिंग पे रहते हैं कि ड्रिलिंग में वर्क पीस जो है वो टेल स्टॉक जो हेड स्टॉक असम्बली चक उसके साथ अटैच है, और जो टूल है वो आपका टेल स्टॉक असम्बली के साथ अटैच है, यानी कि फेस से जो फ्रंट एंड बन रहा है जो फेसिंग एंड बन रहा है वर्क पीस का उस पर ड्रिलिंग का एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कुछ टाइप्स हैं ड्रिलिंग की, बेसिकली टाइप्स होती हैं। कुछ होल्स इनको थ्रू होल्स कहते हैं और कुछ होल्स को हम ब्लाइंड होल्स कहते हैं। थ्रू होल्स यानी कि जो आप होल्स क्रिएट करते हो उनकी दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन की, थ्रू होल्स और ब्लाइंड होल्स। थ्रू होल्स वो जो थ्रू आउट द विड्थ ऑफ वर्क पीस होल्स क्रिएट होते हैं, यानी कि होल आपको, यानी अगर आप होल में से देखो वर्क पीस में से तो आपको दूसरी साइड नज़र आ रही हो, तो जो इस तरह के होल होते हैं वो उनको थ्रू होल्स कह देते हैं, और जो होल्स थ्रू आउट द विड्थ एक्ट ना करें बल्कि एक पार्ट तक विड्थ के एक खास पोर्शन तक एक्ट करें तो ऐसे होल्स को हम ब्लाइंड होल्स कह देते हैं। ब्लाइंड होल मीन कि आप अगर एक साइड से वो सुराख से अगर देखोगे तो आपको दूसरी साइड जो अपोजिट साइड है वो नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए आप उसको ब्लाइंड होल कह देते हैं। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली यू कैन डिफाइन इट एज कि इसमें ड्रिल जो है एग्जिट करती है टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्क पीस, जबकि जो ब्लाइंड होल्स होते हैं उसमें डज नॉट एग्जिट ऑन द ऑपोजिट साइड। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो होल है वो थ्रू आउट द वर्क पीस जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि आप अगर इस साइड से देखें तो आपको ऑपोजिट साइड नज़र आएगी, लेकिन जो ब्लाइंड होल है उसमें सिर्फ एक खास पोर्शन तक होल क्रिएट होगा, और इस साइड पे यानी जो डाउनवर्ड साइड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ तक होल जो है वो नहीं हुआ,
बल्कि सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन तक हुआ है। तो ऐसे होल्स को हम फिर ब्लाइंड होल्स कह देते हैं, और जो थ्रू आउट अगर होल्स कन्वर्ट होल्स जो है क्रिएट हो जाए तो उसको हम थ्रू होल्स कह देते हैं। और सिंपली इसको थोड़ा सा मजीद आपको समझाने के लिए कि थ्रू होल्स वो कि आपने अगर एक साइड से देखा तो आपको दूसरी साइड नज़र आ रही है, लेकिन ब्लाइंड होल में इस तरह से नहीं है तो उसको ब्लाइंड होल कह देते हैं। और स्पेसिफिकली इसको वी कैन डिफाइन इट कि उसमें जो ड्रिल बिट है वो एग्जिट कर जाती है वर्क पीस के ऑपोजिट साइड से थ्रू होल्स के केस में, और ब्लाइंड होल्स के केस में वो एग्जिट नहीं करती बल्कि एक पोर्शन तक आप ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ओके, देन रिमिंग। रिमिंग का बेसिकली ऑपरेशन, जो रिमिंग का ऑपरेशन है उसका पर्पस है कि जो होल क्रिएट हुआ है, जो होल का इनसाइड बन रही है उसकी सरफेस को अगर आपने इम्प्रूव करना है, उसकी सरफेस को फिनिशिंग टच देना है, फाइनलाइज टच देना है, तो उस ऑपरेशन के लिए रिमिंग टूल यूज़ किया जाता है। ये रिमिंग टूल की इस तरह की शेप होती है, यू कैन सी इट। और ड्रिलिंग जो टूल था उसके अंदर आपको याद होगा कि इस तरह की स्पायरल शेप थी थ्रेड्स की, बट इसके अंदर लॉन्ग लेंथ जो एक बार शेप में लाइंस होती हैं, और इस ड्रिलिंग रिमिंग का जो रिमिंग टूल का जो पर्पस है दैट इज टू इम्प्रूव द सरफेस और टू गिव द फिनिशिंग टच, और यू कैन से टू मेक अ फाइनलाइज सरफेस। तो होता है एक्चुअली ये है कि आप ड्रिलिंग या बोरिंग का जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इनसाइड पे जो होल के इनसाइड सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, तो उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको फिनिशिंग टच देने के लिए आप रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ड्यूरिंग रिमिंग ऑपरेशन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मटेरियल रिमूव होगा, सो वी कैन से इट स्लाइटली एनलार्ज इज अ होल, बट स्लाइटली, स्लाइटली का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज इसमें बहुत थोड़ी मटेरियल रिमूवमेंट होगी, एक्चुअल पर्पज है फिनिशिंग टच देना, सरफेस को इम्प्रूव करना। सो जो मटेरियल रिमूवमेंट है वो बहुत थोड़ी होगी, सो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि इट जस्ट स्लाइटली एनलार्ज इज अ होल, और एक्चुअली जो इसका पर्पज है दैट इज टू इम्प्रूव द सरफेस, टू इम्प्रूव द इनसाइड सरफेस, या यू कैन से टू मेक द इनसाइड सरफेस स्मूथ, टू गिव द फिनिशिंग टच, फाइनल टच टू द इनसाइड सरफेस ऑफ द होल। और ड्यूरिंग दिस कुछ जो एनलार्जमेंट हो जाएगी होल के डायर के अंदर, सो वी यूज द टर्म दैट इट्स स्लाइटली एनलार्ज इज अ होल। बट अगर मैं इसका एक्चुअल ऑपरेशन को मेरे से पूछे तो मैं उसका पर्पज है दैट इज कि इट गिव्स इट मेक्स द इनसाइड सरफेस ऑफ अ होल स्मूथ और इट गिव्स अ फिनिशिंग टच। ओके, दैट्स नेक्स्ट। रिमिंग के बाद टैपिंग का ऑपरेशन, एक आपने ऑपरेशन पढ़ा था थ्रेडिंग का, जिसमें आपने देखा जो आउटसाइड सरफेस होती है उसके ऊपर वर्क पीस की जो आउटसाइड सरफेस है उसके ऊपर थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं। टैपिंग के ऑपरेशन में इंटरनली थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी एक आपने होल क्रिएट कर लिया है तो उस होल के अंदर अगर आप इनसाइड दैट होल अगर आप थ्रेड्स क्रिएट करना चाह रहे हो, स्क्रूज क्रिएट, स्क्रू थ्रेड्स या जो स्पाइरल शेप में थ्रेड्स है वो क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ऐसे ऑपरेशन को आप टैपिंग कह देते हैं। और या यू कैन ऑल्सो से इट एज इंटरनल थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग को इंटरनल थ्रेडिंग या टैपिंग, दे आर सेम टर्म्स। और इसको वी कैन डिफाइन इट एज कि टैपिंग टूल है जिसको टैप कहा जाता है, टैपिंग टूल कहा जाता है, और ये इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए एक होल के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसके अंदर इंटरनली थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए इस ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। ओके, देन एक ऑपरेशन है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग के अंदर स्टेप फॉर्म में होल क्रिएट किया जाता है, यानी कि काउंटर बोरिंग टूल जो है वो इस शेप में होगा, यू कैन सी दिस, ये शेप होगी काउंटर बोरिंग टूल की, ये शेप है, इस तरह की शेप होगी और स्टेप फॉर्म में होल क्रिएट होगा। स्टेप फॉर्म में कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक होल, ये एक वर्क पीस है उसके अंदर एक होल आपने इस तरह से क्रिएट किया, ये जो मैंने दो लाइन्स ड्रॉ की, बट अगर वही होल स्टेप्स की फॉर्म में होगा, यू कैन सी इस फॉर्म में होल, ये यू कैन सी दिस, ये जो मैंने ड्रॉ किया आप इससे भी देख सकते हैं कि नहीं, कि ये जिसको मैं ये रेड लाइन से क्रॉस कर रहा हूँ जिस पोर्शन को, यानी कि ये पोर्शन होल्स बन गए। अब होल जो है वो स्टेप शेप में है, स्टेप शेप में कैसे कि जो डाउनवर्ड साइड पे बॉटम साइड पे पोर्शन है उसका डायमीटर ज्यादा है, जबकि जो टॉप साइड पे पोर्शन है उसका डायमीटर कम है,
ऐसे प्रोसेस को हम काउंटर बोरिंग कहते हैं, और यानी कि होल्स के अंदर ही जो इंटरनली साइड पे होल क्रिएट हुआ है उसके अंदर स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे। स्टेप मीन्स कि कुछ पोर्शन होल का उसका डायमीटर डिफरेंट होगा और कुछ पोर्शन का डायमीटर डिफरेंट होगा, यानी कि स्टेप्स बन रहे होंगे। सो वी कॉल सच अ प्रोसेस एज काउंटर बोरिंग। और देन मिलिंग पे आ जाते हैं। मिलिंग ऑपरेशन, अब इसमें हम मिलिंग मशीन में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मिलिंग मशीन्स। अब ये मैं मिलिंग मशीन के पर्सपेक्टिव से मिलिंग ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिलिंग मशीन्स के अंदर टूल जो है वो रोटेट कर रहा होगा, टूल की रोटी मोशन होगी जो, और जो वर्क पीस है उसकी लीनियर मोशन होगी। लेथ मशीन पे हमने जितने ऑपरेशंस पढ़े हैं उसमें इसके ऑपोजिट था, उसमें वर्क पीस रोटेट कर रहा था और टूल की लीनियर मोशन थी, यानी टूल को फीड किया जाता था लीनियर मोशन, ये एक्स वाई या वाई जी ये जो भी एक्सेस बन रहे थे, 2D 2 डायमेंशनल, यानी 2D के अंदर, यानी लीनियर मोशन। बट मिलिंग के केस में उससे ऑपोजिट हो गया, जो टूल है उसकी रोटरी मोशन है और जो वर्क पीस है उसकी लीनियर मोशन है। फिर इसमें जो एक्सिस ऑफ टूल रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फीड डायरेक्शन, वो किस तरह से, वो नेक्स्ट किसी एग्जांपल के अंदर कोई फिगर होगी उसके अंदर हम देख लेंगे। और फिर आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं मिलिंग की, डिपेंडिंग अपॉन मिलिंग कटर्स या डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस, डिफरेंट किस्म की हमें शेप्स मिलती हैं। और फिर उस रिस्पेक्टिव से हम उस विद दैट रिस्पेक्ट हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशंस को। अब एक फर्स्टली एक पेरिफेरल मिलिंग शो की और एक फेस मिलिंग शो की है। पेरिफेरल मिलिंग के अंदर यू कैन सी के जो टूल की जो रोटेशनी डायरेक्शन है दैट इज दिस वे, यानी कि जो टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से बन रहा है, और जो वर्क पीस का जो फीडिंग डायरेक्शन है लीनियर दैट इज दिस वे। और इसके अंदर अगर अब हम देखें, यू कैन सी दिस पेरिफेरल मिलिंग के अंदर जो कटिंग टूल का एक्सिस बन रहा है दैट इज पैरेलल टू द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस, और जो फेसिंग ऑपरेशन है ये फेस जो बन रहा है, जो वर्क पीस का जो फेस बन रहा है उस पर एक्ट कर रहा होता है, और इसके अंदर वर्क पीस जो टूल की, यू कैन सी दिस टूल जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये मोशन है टूल की, और ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन बन रहा है। अब हम विजुलाइज कर सकते हैं इनका डिफरेंस इन लाइंस को, रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ की है उनको देख के, कि जो फर्स्ट केस है ए साइड जो लेफ्ट साइड है पेरिफेरल मिलिंग, उसमें टूल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज पैरेलल टू द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस, और जो दूसरी फेस मिलिंग है उसमें जो टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस। तो एक में पैरेलल हो गया और दूसरे में परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल वाले को हम पेरिफेरल मिलिंग कह देते हैं और परपेंडिकुलर वाले को हम फेस मिलिंग कह देते हैं। ओके, इन स्लाइड्स में ये चीज़ बेसिकली डिस्कस की हुई है कि किस में जो है वो पैरेलल है और किस में परपेंडिकुलर है। ओके, देन स्लैब मिलिंग, ये कुछ फर्दर कैटेगराइजेशन है मिलिंग की। अब स्लैब मिलिंग पेरिफेरल मिलिंग की एक फॉर्म है। पेरिफेरल मिलिंग की फॉर्म कैसे है कि इसमें जो टूल का रोटेशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस होगा दैट विल बी पैरेलल टू द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस। और अब इसको स्लैब मिलिंग की को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि स्लैब मिलिंग के अंदर जो मिलिंग कटर है उसकी विड्थ एक्सटेंड कर रही है बियॉन्ड द वर्क पीस ऑन बोथ साइड्स। इट मीन्स कि वर्क पीस की अगर विड्थ इतनी है, लेट से दिस इज वर्क पीस, आई विल से इट एज W, और जो मिलिंग कटर है जो स्लैब मिलिंग कटर है उसकी विड्थ दैट विड्थ ऑफ स्लैब मिलिंग कटर इज लार्जर देन द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। यू कैन सी कि यानी जो वर्क जो टूल होगा मिलिंग कटर होगा उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है। यू कैन सी दिस, इसके विड्थ यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ और वर्क पीस की विड्थ जो है वो
that is less than the width of the milling cutter. So ऐसी milling को हम slab milling कह देते हैं और we can define it as कि in slab milling जो cutter width है that extends beyond the workpiece on the both sides. या you can simply say it कि जो workpiece की जो width थी that is less than the width of the slab milling cutter. और you can say कि cutter width extends beyond the workpiece on both sides. Anyhow, इसको हम slab milling कह देते हैं. Next मैं slotting का operation देख रहा हूँ. अब ये बेसिकली सब ये शेप्स या मूवमेंट्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया हुआ है. अब स्लैब मिलिंग के अंदर आपको पता है कि जो कटर की विड्थ थी वो एक्सटेंड कर रही थी वर्क पीस के दोनों साइडों पे, यानी कि विड्थ ज़्यादा थी, जबकि स्लॉटिंग के केस में जो कटर की विड्थ है दैट इज लेस देन द वर्क पीस. यू कैन सी विड्थ ऑफ कटर इज लेस देन द वर्क पीस. और इसका पर्पज क्या है, टू क्रिएट अ स्लॉट इन द वर्क. तो यू कैन सी अब जो स्लॉट कटर की विड्थ है दैट इज लेस और जो वर्क पीस की विड्थ है दैट इज लार्ज. तो ऐसे ऑपरेशन को हम स्लॉटिंग कह देते हैं. यू कैन से इट एज स्लॉट मिलिंग. पहले थे पेरिफेरल मिलिंग और फेस मिलिंग. पेरिफेरल मिलिंग और फेस मिलिंग उनमें जो टूल का रोटेशनल एक्सिस था उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया हुआ था कि अगर टूल का रोटेशनल एक्सिस पैरेलल है तो उसको हम पेरिफेरल मिलिंग कह देते थे, और अगर परपेंडिकुलर है तो उसको मैंने कहा था कि दैट इज That is face milling. अच्छा, अब टूल की विड्थ के हिसाब से डिफरेंशिएशन है. जो स्लैब मिलिंग थी उसमें विड्थ जो है वो एक्सटेंड कर रही थी वर्क पीस के दोनों साइड्स पे, कटर की विड्थ यानी कि विड्थ ज़्यादा थी, और स्लॉटिंग में वर्क पीस की विड्थ जो है वो जो कटर की विड्थ है वो लेस है वर्क पीस की विड्थ से. यानी अब इसमें विड्थ की इन्वॉल्वमेंट आ गई. पहले वाले में जो डिफरेंशिएशन हमने पेरिफेरल स्लैब में पढ़ी थी उसमें डिफरेंशिएशन थी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस. ओके, फिर इसमें एक कन्वेंशनल फेस मिलिंग है. कन्वेंशनल फेस मिलिंग में जो फेस मिलिंग कटर है बेसिकली ये वर्क पीस का जो फेस एंड बन रहा है उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है. तो ऐसे मिलिंग को हम कन्वेंशनल फेस मिलिंग कह देते हैं. और अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो वर्क पीस का रोटेशनल एक्सिस बन रहा है वो वर्टिकल बन रहा है. तो ये जो प्रोफेशनल फेस मिलिंग है ये फेस मिलिंग की टाइप बन गई. इससे पहले जो मैंने दोनों आपको पढ़ाई स्लैब मिलिंग, इसमें वर्क पीस का रोटेशनल एक्सिस यू कैन सी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है रेड दिस वन.